वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमारे तीसरे पोर्शन की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और उससे पहले कि हम आगे पढ़ें, हम आपको पिछले दो वीडियो लेक्चर के अंदर जो जानकारी दी थी उसका एक बार संक्षिप्त में रिवीजन की आवश्यकता है। इस वजह से एक बार बहुत तेज़ी के साथ में एक बार हम उस रिवीजन को देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत में आपको सर्वप्रथम ये बताया था कि किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो उद्भव है वो एक स्पेक्ट्रम शब्द से हुआ है, जहाँ पर कि हम एक सफ़ेद रेखा को व्हाइट लाइट को यदि किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो सात रंगों के पैटर्न के अंदर विभक्त हो जाती है। इसे सर्वप्रथम स्पेक्ट्रम कहा गया और यहीं से स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द की उत्पत्ति कही गई। फिर उसके बाद में आपको ये बताया गया था कि किसी प्रकार की भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो उसको ज्ञात करने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर की आवश्यकता होती है। और उस स्पेक्ट्रोमीटर के मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं, जिसके के अंदर की एक रेडिएशन सोर्स होता है, यानी कि जिसके द्वारा हम इच्छित विकिरण को प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे सैंपल यानी कि जिसका कि हमें अध्ययन करना है उस पर डाली जाती है। और अंतिम परिणाम जो होता है वो स्पेक्ट्रम के तौर पर हम उसे उसी मशीन के द्वारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसी स्पेक्ट्रम के एनालिसिस के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जो दिया गया सैंपल था उस दिए गए सैंपल में मॉलिकुलर स्ट्रक्चर उसका क्या है या उसके अंदर क्या क्या मुख्य अवयव उपस्थित होते हैं। इसके बाद में आपको हमने ये बताया था कि विभिन्न प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं उन सब विकिरणों की ऊर्जाओं को हम प्लैंक समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और इस समीकरण के द्वारा हम उनकी आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और तरंग संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इन सभी को एक निश्चित प्रकार के ऊर्जा क्रम में यदि रखते हैं तो जो पैटर्न प्राप्त होता है इस पैटर्न को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉस्मिक रेज यानी कि गामा किरणों की जो ऊर्जाएं हैं वो सर्वाधिक होती हैं और रेडियो तरंगों की जो ऊर्जाएं हैं वो सबसे कम होती है। इस डायग्राम के अंदर आप वापस से इन्हीं चीज़ों को इनके डाटास के आधार पर देख सकते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य वो गामा किरणों की सर्वाधिक सबसे कम होने के साथ ही और रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य वो सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार से इनकी आवृत्ति और ऊर्जाएं भी यहाँ पर व्यक्त की हुई हैं। इस स्लाइड के अंदर आपको यह बताया गया है कि स्पेक्ट्रम किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो यह है कि भाई जब भी हम किसी प्रकार की विकिरणी ऊर्जा हमारे पदार्थ को देते हैं तो वहाँ पर अवशोषण के द्वारा एक प्रकार का संक्रमण होता है या उत्सर्जन होता है, तो एक प्रकार का संक्रमण होता है। इसी संक्रमण का ही एक परिणाम है कि वो मशीन के द्वारा यानी कि डिटेक्टर के द्वारा वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है और एक स्पेक्ट्रम के तौर पर जहाँ की स्पेक्ट्रल लाइन आ सकती हैं उनके द्वारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। यही एक हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेन वो है। कितने प्रकार के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, जैसे जैसे स्पेक्ट्रम आता है उस आधार पर हम उसे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, फिर डिसकंटिन्यूअस में लाइन हो सकती है या पीक हो सकते हैं या बैंड हो सकते हैं, ये स्पेक्ट्रम के प्रकार थे। इसके पश्चात मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको एक पेन के एक्सपेरिमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतियाँ कर करके आपको दिखाई और उस तीनों गतियों को हमने यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों के तीन प्रकार यू विजिबल, आईआर और माइक्रोवेव से इन्हें कोरिलेट कर करके बताया कि सर्वाधिक ऊर्जा वाली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से संबद्ध है, तो उसके पश्चात आईआर मध्यवर्ती ऊर्जा वाली कंपन से संबंधित है, तो सबसे कम ऊर्जा वाली माइक्रोवेव वो घूर्णन से संबंधित होती है। इसी आधार पर हमने तीनों ऊर्जाओं यानी कि तीनों प्रकार की विकिरणीय ऊर्जाओं को हमने हमारे अणु के मध्य उपस्थित विभिन्न ऊर्जा स्तरों से संबद्ध किया और ये देखा कि जब माइक्रोवेव की एनर्जी किसी भी अणु को दी जाती है तो उनके घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण होता है, और जब कंपन की ऊर्जा दी जाती है तो उनके कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य में संक्रमण होता है, और जब हम यूवी विजिबल की एनर्जी देते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में संक्रमण होता है। ये सुपरफाइन स्पेक्ट्रम है दो विभिन्न प्रकार के कंपन के ऊर्जा स्तरों का। बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के द्वारा यह बताया गया था कि भाई किसी भी अणु के जो विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं और उन गतियों से संबद्ध जो ऊर्जाएं हैं वो सब एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और उनकी अपनी अपनी गतियाँ होती हैं। इसीलिए किसी भी अणु के कुल ऊर्जा को हम ये मान सकते हैं कि उसकी कुल ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कंपन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी से मिलकर के बनी होती है। इसके पश्चात हमारे सेकंड लेक्चर में जिसमें कि हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको बताया था कि एक द्विपरमाणु
कोई अणु हो सकता है, अणु है तो उसके अंदर कितने प्रकार के घूर्णन होते हैं, उन सभी घूर्णन की गतियों को यहाँ पर बताया। और इस प्रकार से एक किसी दृढ़ द्वि परमाणु अणु के घूर्णन गति करते हुए कण की ऊर्जा अर्थात उसके विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा को यहाँ जूल और यहाँ पर तरंग संख्या के रूप में हमने यहाँ पर व्यक्त किया था। अर्थात किसी भी प्रकार के घूर्णन ऊर्जा स्तर जो कि दृढ़ पिंड के तौर पर गति कर रहा है उसके लिए घूर्णन ऊर्जा की जो सूत्र है वो ये निकल करके आता है। इस आधार पर हमने विभिन्न ऊर्जा स्तरों को चित्रित किया और उसके पश्चात हमने यहाँ पर चयन के नियम के आधार पर कि इस प्रकार के रिजिड रोटेटर के लिए जो चयन का नियम होता है वो डेल्टा जे प्लस माइनस वन होता है। इस आधार पर हमने यहाँ पर एक सामान्य स्पेक्ट्रल फार्मूला इनके लिए ज्ञात किया जो कि 2bj+1 आता है। और यहाँ पर हम यदि j बराबर वो वैल्यू रखें जहाँ से कि संक्रमण होता है, जैसे मान लिया कि हम दूसरे संक्रमण की बात करें तो दूसरा संक्रमण होगा j बराबर 1 लेवल से, तो यदि हम यहाँ 1 रखें तो 4b, तो 4b सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें दूसरी रेखा प्राप्त होती है। ये विभिन्न प्रकार के संक्रमणों को व्यक्त करने वाली चित्र है। इसके पश्चात यहाँ पर हमने ये बताया कि इससे पहले वाली स्लाइड्स में आपने देखा है कि विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के लिए सबके लिए तीव्रताएं एक जैसी हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और जो तीव्रताएं हैं वो संक्रमणों की वो अलग अलग होती हैं, और उन तीव्रताओं को गवर्न करने के लिए दो कारक होते हैं, मैक्सिमल बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन और दूसरा कारक होता है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी इन दोनों कारकों का ही परिणाम होता है कि शुरुआत के जे लेवल और बाद के जे लेवलों से होने वाले संक्रमणों की तीव्रताएं कम होती हैं और मध्यवर्ती जे लेवल से होने वाले संक्रमणों की तीव्रताएं अधिक होती हैं। तो वो कौन सा लेवल जहां पर तीव्रता उच्चतम होती है वो इसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है कि किस प्रकार से हम जे मैक्सिमम को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज हम बात करेंगे यहाँ पर अब हम नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में। छात्रों, यदि एक द्विपरमाणु अणु दृढ़ पिंड की भांति व्यवहार न करके अदृढ़ पिंड की भांति व्यवहार करे अर्थात उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो उसके लिए जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। यहाँ तक के जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे रोटेशनल जो रिजिड रोटेटर हैं उनके लिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो माइनस में है, नेगेटिव में ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स लग गए हैं, यानी कि ई जे बराबर एच स्क्वायर अपॉन 8π² आई जे जे प्लस वन, और उसके माइनस में एच रेस टू द पावर 4/32π4i² r² k एंड जे स्क्वायर जे प्लस वन होल स्क्वायर जूल। हमें स्पेक्ट्रम से मतलब है, इसीलिए हमने इसे स्पेक्ट्रल लाइन इक्वेशन के अंदर स्पेक्ट्रल फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एच सी से यदि इन्हें डिवाइड कर दें तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पावर 4 कम होकर के 3 में कन्वर्ट हो जाएगी और नीचे सी सी रह जाएगा, तो एच अपॉन 8π² आई सी जे जे प्लस वन, और इसी प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एच अपॉन 8π² आई सी बी होता ही है रोटेशनल कॉन्स्टेंट, तो बी जे जे प्लस वन माइनस ये जो पूरा फैक्टर है एच क्यूब अपॉन 32π4i² r² kc, इस पूरे फैक्टर को डी कांस्टेंट डी टर्म से कन्वर्ट कर दिया है जिसे कि हम सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट कहते हैं। अर्थात एक पॉइंट जरूर घूमते घूमते अणु में ऐसा आएगा जहां पर कि उस अणु के अंदर डिस्टोर्शन यानी कि विकृति आ जाएगी, उसे ही हमने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कोफिशिएंट कहा गया है। यदि हम इस के घूर्णन को यानी कि जो दृढ़ पिंड है हमारा वो दृढ़ ना हो करके नॉन रिजिड तो है ही, साथ के साथ ही उसके जो घूर्णन है वो भी हार्मोनिक ना हो करके यदि एनहार्मोनिक हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये और अधिक फैक्टर्स साथ में इसमें यहाँ पर लगते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एच के और ये जब भी हैं ये सारे के सारे छोटे छोटे कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें एनहार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट कहते हैं, और हम प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इन सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी इक्वेशन जो है नॉन रिजिड रोटेटर के लिए वो यहाँ तक ही सिमट करके रह जाएगी।
किसी नॉन रिजिड रोटेटर का स्पेक्ट्रम को हम किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं? तो अगेन वापस से किसी भी स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हमारे पास में पहली शर्त तो ये है कि एक संक्रमण होना चाहिए, और दूसरी ये है कि भाई चैन का नियम क्या है। तो चैन का नियम यहाँ भी जिस प्रकार से रिजिड रोटेटर के लिए प्लस माइनस वन था, वैसे के वैसे यहाँ पर भी डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस वन ही है। अर्थात यदि एक संक्रमण किसी नीचे के जे से ऊपर के जे प्लस वन लेवल में होना है, तो हमें ऊपर के जे प्लस वन लेवल से नीचे के जे लेवल की एनर्जी को घटाना होगा। अब चूंकि ऊपर वाला लेवल जे प्लस वन हो गया है, इसीलिए जे की जगह जे प्लस वन लिख दिया, तो बी जे प्लस वन, अंदर भी जे की जगह जे प्लस वन, प्लस वन माइनस सेम यहाँ पर जे प्लस वन होल स्क्वायर, जे प्लस वन होल स्क्वायर। अब चूंकि नीचे वाला लेवल जे ही है, तो यहाँ पर ये जे के रूप में ही रह गया। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला, अर्थात कोई भी वो संक्रमण जो किसी जे से ऊपर के जे प्लस वन में यदि हो रहा है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला 2bj+1 माइनस 4dj+1 होल क्यूब प्राप्त होता है। यहाँ तुरंत ही आप लोग ये देख सकते हो कि ये स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला बिल्कुल रिजिड रोटेटर के समान ही है, केवल नेगेटिव में ये फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। इस आधार पर यदि हम नॉन रिजिड रोटेटर के लिए पहली रेखा देखना चाहें, तो पहली रेखा यानी कि पहला संक्रमण जीरो लेवल से शुरू होगा, तो जे बराबर जीरो, और जे बराबर जीरो यदि हम रखें तो 2b-4d पर पहली रेखा मिलेगी। और यदि सेकंड रेखा को देखना है तो जे बराबर एक रखना होगा, तो उसके लिए हमें दूसरी रेखा 4b-32d सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होगी। अर्थात जहाँ रिजिड रोटेटर में पहली रेखा 2b पर थी, दूसरी 4b और क्रमागत 6b 8b पर थी, वो नॉन रिजिड रोटेटर के लिए उससे थोड़ी सी कम, अर्थात 2b-4d या 4b-32d पर प्राप्त होती है। यहाँ लिखा हुआ इस यही चीज जो हमने अभी आपको बताया कि नियरली सेम होती है रिजिड रोटेटर के, लेकिन स्लाइटली शिफ्टेड होती है टुवर्ड्स दी लोअर वेव नंबर साइड, अर्थात कम तरंग संख्या की ओर इनकी जो रेखाएं हैं वो विस्थापित होती हैं। इनके स्पेक्ट्रम को हम इस प्रकार से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि यदि ये रिजिड रोटेटर का एनर्जी लेवल्स और उनके स्पेक्ट्रम है, तो ये नॉन रिजिड रोटेटर, चूंकि नॉन रिजिड रोटेटर के एनर्जी वैल्यूज ही कम होती हैं, तो हम देख सकते हैं कि उनके बीच में होने वाले जो ट्रांजिशन हैं उनसे संबंधित एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पर यदि ब्लू लाइन रिजिड रोटेटर को व्यक्त करती है, तो उसके थोड़ा सा कम पर रेड लाइन नॉन रिजिड रोटेटर को व्यक्त करेगी। स्पेक्ट्रम लगभग रिजिड रोटेटर के समान ही है, केवल तरंग संख्याएं जो हैं वो कम तरंग, केवल जो जो रेखाएं हैं स्पेक्ट्रल रेखाएं, वो केवल कम तरंग संख्याओं की ओर विस्थापित हो जाती हैं। इसी प्रकार हम समस्थानिक प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। समस्थानिक, हम जानते हैं कि समस्थानिक वे होते हैं जिनमें कि परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परंतु उसके परमाणु भार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर यदि हम जो नॉर्मल कार्बन मोनोक्साइड है, जिसमें कि नॉर्मल कार्बन C12 की जगह पर उसका समस्थानिक C13 यदि ले लिया जाए, तो ये कार्बन मोनोक्साइड भारी हो जाएगी। उस वजह से यदि हम इसके एनर्जी इक्वेशन को देखें, तो ई जे बराबर बी जे जे प्लस वन में बी बराबर हम जानते हैं H/8π² IC, जहां I बराबर μr², अर्थात म्यू यानी कि सामान्य द्रव्यमान। तो जब उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो बी कम हो जाएगा, और बी कम हो जाएगा तो एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ दिख रखा है साफ साफ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, अर्थात सामान्य द्रव्यमान के बढ़ने से बी कम हो जाएगा और बी के कम होने से ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इसके लिए भी जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम नॉन रिजिड रोटेटर के समान ही प्राप्त होएगा, क्योंकि मेन जो हमारे घूर्णन ऊर्जा स्तर हैं उन घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं कम हो जाती हैं, और इस आधार पर उनके मध्य के ऊर्जा स्तर भी कम हो जाएंगे, तो संक्रमण रेखाएं भी कम तरंग संख्या पर प्राप्त होंगी। तो यदि ब्लू लाइन नॉर्मल कार्बन मोनोक्साइड के लिए है, तो रेड लाइंस समस्थानिक C13 वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है।
यहाँ तक हम लोगों ने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सामान्य जानकारी जो भी थर्ड ईयर के लेवल तक है वो हम लोगों ने यहाँ पर आप प्राप्त कर ली है। कुछ महत्वपूर्ण समीकरण हैं जो याद रखने की हैं वो आगे भी लगातार काम आती रहेंगी, तो वो यहाँ पर एक स्लाइड्स में आपको दी हुई हैं कि किसी भी रिजिड रोटेटर के रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को हम जूल या सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना है तो ई जे बराबर बी जे जे प्लस वन, जहाँ बी रोटेशनल कांस्टेंट होता है, और इनके लिए स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला जब सिलेक्शन रूल डेल्टा जे प्लस माइनस वन लगाते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला प्राप्त होता है 2B J+1। और इसी आधार पर हम इंटेंसिटी को देखते हैं तो वो कौन सा जे लेवल है जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो वो हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से नॉन रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी इक्वेशन ये होती है, तो सेंट्रीफ्यूजल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट क्या है वो यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है, और इसी प्रकार के नॉन रिजिड रोटेटर के लिए स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। देख सकते हो आप रिजिड रोटेटर के लिए 2B J+1 उससे कुछ कम। इस प्रकार से माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पोर्शन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अंत में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ कि किसी भी अणु के लिए जो कि माइक्रोवेव में अपना स्पेक्ट्रम देगा उसके लिए जरूरी शर्त ये होती है कि वो एक निश्चित द्विध्रुव रखने वाला द्विध्रुव आघूर्ण रखने वाला अणु हो और वो द्विध्रुव आघूर्ण उसका घूर्णन के दौरान परिवर्तित भी होना चाहिए। अर्थात फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी माइक्रोवेव एक्टिव इट इज मस्ट पजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट एंड द डायपोल मोमेंट मस्ट चेंज ड्यूरिंग द रोटेशन। नेक्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर इन चारों स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित जो कंबाइंड डाटा इक्वेशंस होती है जिनके के द्वारा हम किसी अज्ञात अणु की संरचना का हम पता लगाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी तक का जो पोर्शन है वो यहाँ समाप्त हो चुका है, और आज हम यहाँ पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंट्रोडक्शन है वो इस वाले लेक्चर के अंदर यहाँ पर हम आपको शुरुआत कर रहे हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमने यूवी विजिबल, आईआर और माइक्रोवेव तीनों के एनर्जीज को कंपेयर किया था तो हमने ये देखा था कि माइक्रोवेव की एनर्जी सबसे कम है तो उससे कहीं अधिक ऊर्जा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की है। अर्थात अब यहाँ पर अणु में इंफ्रारेड ऊर्जा को अवशोषण करने के बाद कंपन की क्षमता आ जाती है। कंपन की क्षमता आने का मतलब यह है कि वो घूर्णन गति तो करेगा ही करेगा, साथ के साथ ही उसके अंदर कंपन के संक्रमण भी होंगे। अर्थात जहां पर पहले एक अणु में घूर्णन के कारण सिर्फ रेखाएं प्राप्त होती थी, वहां पर अब कंपन के कारण भी रेखाएं प्राप्त होंगी। अब चूंकि इतना कम ऊर्जा अंतर पर वो रेखाएं आती हैं कि वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाती हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापित हो जाती हैं, उस कारण से हमें एक रेखा स्पष्ट होने की बजाय हमें वो एक पीक के रूप में स्पेक्ट्रम प्राप्त स्पेक्ट्रम नजर आता है। इसीलिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक पीक के रूप में हमें दिखता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर महत्वपूर्ण ये है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना अधिक हमें यहाँ पर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे देती है कि हम सीधे सीधे ही ये पता लगा सकते हैं कि उस अणु के अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है या कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी अणु यदि आईआर रेडिएशन अवशोषित करता है तो वो कंपन करता है, और कंपन के कारण वो 14,290 से 200 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में अपना स्पेक्ट्रम जो है वो या अपना अवशोषण जो है वो दर्शाता है। अर्थात इस क्षेत्र के अंदर वो एक पीक दर्शाएगा। ये जो पीक आएगा वो एक किसी न किसी विशेष प्रकार के कंपन को दर्शाएगा। जैसे मान लिया एक द्विपरमाणिक अणु है ए बी, और तो उनके मध्य एक बंध है, ए बी के मध्य एक सिंगल बॉन्ड है, तो वो सिंगल बॉन्ड जो है वो यदि वो कंपन करता है यानी कि उसकी बंध दूरी घटती बढ़ती है
तो उससे संबंधित होने वाले संक्रमण के लिए एक विशेष प्रकार की तरंग संख्या पर एक पीक हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, जो कि उस सीधे सीधे उस बंद से संबंधित होगा। यह जानकारी हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा मिलती है। इस पूरे क्षेत्र को हम मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों के अंदर विभक्त कर सकते हैं, जिसमें नियर आईआर रीजन 14,290 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक है, और जो सामान्य आईआर क्षेत्र है, नॉर्मल आईआर रीजन है, वो 4,000 से लेकर के 666 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है, और फार आईआर रीजन यानी कि दूरवर्ती आईआर रीजन 666 से 200 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि जो नॉर्मल आईआर रीजन है, इस आईआर रीजन के अंदर अधिकतम अवशोषण हमारे सामान्य कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं, 4,000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य अधिकतर कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक अपना अवशोषण दर्शाते हैं। जैसे कि एक सामान्य उदाहरण, यदि हम एसीटोन की बात करें, तो एसीटोन के अंदर हम जानते हैं कि एक CO यानी कि सी डबल बॉन्ड O एक कार्बोनिल बंध होता है, तो उस कार्बोनिल बंध के लिए जो कंपन की तरंग संख्या प्राप्त होती है वो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जो कि इस रेंज में प्राप्त होती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही प्राप्त हो पाती है। डियर स्टूडेंट्स, हर दूसरे या तीसरे साल में ये सवाल अंगुली छाप क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है, फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, और ये ध्यान रखने की बात है कि 1430 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स वाला जो क्षेत्र होता है, ये फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे किसी भी मानव के अंगुलियों के छाप का जो निशान है, फिंगर के जो प्रिंट्स हैं, वो एक से दूसरे में कभी समान प्राप्त नहीं होते। उसी प्रकार से हमारे जितने भी अणु हैं, वो अणु यदि इस क्षेत्र के अंदर कोई अवशोषण दर्शाता है, तो वो उसके लिए करेक्टरिस्टिक है, अभिलाक्षणिक है, क्योंकि वो पीक किसी दूसरे अणु के द्वारा दर्शाया नहीं जाएगा। अणु की जगह पर यहाँ यदि मैं कोई कंपन कह दूँ तो ज़्यादा ठीक है, अर्थात किसी अणु का एक विशेष कंपन यदि इस रेंज में अपना अवशोषण दर्शाता है, तो वो अवशोषण किसी भी दूसरे अणु के द्वारा इस क्षेत्र में नहीं दर्शाया जाएगा। यही फिंगरप्रिंट रीजन की विशेषता है। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि कोई अणु कितने सामान्य प्रकार के कंपन कर सकता है। इसे यदि हम हिंदी में दिखाएं बोलें तो इसे हम कहते हैं कि कंपन की सामान्य विधाएं, अर्थात कोई अणु कितने प्रकार के कंपन गतियां कर सकता है। तो इसे समझने के लिए यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यदि कोई अणु जिसमें कि कुल मिलाकर के n संख्या में यदि परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसके लिए कुल स्वतंत्रता की कोटि होगी 3 × n, यानी कि 3n। हम ये जानते हैं कि किसी अणु के लिए तीन ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं, तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड में तीन स्थानांतरण की गतियां हो सकती है, और एक रेखीय अणु यदि है तो उस रेखीय अणु में दो प्रकार के घूर्णन की गतियां हो सकती है। जैसे कि हमने आपको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया था कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में घूर्णन तीन प्रकार से हो सकता है, पहला थ्रू द बॉन्ड एक्सिस, और दूसरा एंड ओवर एंड इन प्लेन, और तीसरा एंड ओवर एंड आउट ऑफ प्लेन। तो किसी रेखीय अणु के लिए पहला जो घूर्णन है थ्रू द बॉन्ड एक्सिस, वो अपने आप में एक डिफरेंट रोटेशन है, लेकिन जो एंड ओवर एंड इन प्लेन है या एंड ओवर एंड आउट ऑफ प्लेन है, वो दोनों एक ही प्रकार के एक समान रोटेशन है। इसीलिए किसी भी रेखीय अणु में जो कुल घूर्णन के गतियां हैं वो दो हो जाती हैं, अर्थात किसी रेखीय अणु में स्थानांतरण और घूर्णन की दोनों गतियां मिलाकर करके पांच हो गई। तो यदि कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n में से यदि ये संख्या घटा दी जाए, यानी कि 3n-5 हो जाए, तो वहां हम उसके लिए कंपन की सामान्य विधाएं, यानी कि कंपन की सामान्य गतियों के बारे में जहाँ प्राप्त सामान्य जानकारियां ले सकते हैं, अर्थात किसी रेखीय अणु के लिए जो कंपन की गतियां होंगी वो होंगी 3n-5।
लेकिन यदि यही अणु नॉन लीनियर हो तो नॉन लीनियर के केस में तीनों जो घूर्णन गतियां हैं वो अलग अलग होंगी, तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पर 3n-6 करना होगा कंपन की गतियां ज्ञात करने के लिए। एक अणु या तो तनन कंपन कर सकता है या बंकन कंपन कर सकता है अपने में उपस्थित परमाणुओं के रेस्पेक्ट में। ये किस प्रकार से होता है ये आगे की स्लाइड्स में आपको स्पष्ट होगा। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि ये अणु दिया हुआ है और उसमें सामान्य कंपन की विधायें कितनी होंगी ज्ञात करिए, तो अक्सर ये देखा गया है कि इस सवाल को भी विद्यार्थी कई बार छोड़ के आ जाते हैं या गलत कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बिल्कुल सिंपल है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो इसमें तीन परमाणु हैं। अब चूंकि ये परमाणु ये अणु है वो रेखीय है, तो रेखीय के लिए फार्मूला आता है 3n-5। तो यहाँ पर 3 × 3 यानी कि तीन परमाणु है, तो 9 में से 5 यानी कि 4, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु है वो 4 प्रकार के कंपन की गतियां करेगा, और जिन्हें हम इस प्रकार से लिखते हैं। ν₁ यानी कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, सममित तनन कंपन है। ν₂ एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग व कंपन है, और ν₃ एंड ν₄ उसके बेंडिंग यानी कि बंकन वाइब्रेशन है। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि जो उसका ν₁ है यानी कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो IR इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इस कंपन के दौरान उसमें किसी भी प्रकार के द्विध्रुव गुण में परिवर्तन नहीं होता, और ये IR एक्टिव होने के लिए किसी भी अणु में प्राइमरी एक कंडीशन है, कि अर्थात ऐसे अणु जो कि निश्चित द्विध्रुव गुण रखते हो और वो कंपन के दौरान परिवर्तन होता हो, तो ऐसे कंपन ही क्या होंगे IR एक्टिव होंगे। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो ν₁ है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वो इनएक्टिव होता है। यदि हम H₂ अणु में कंपन की विधायें ज्ञात करना चाहें तो H₂ अणु अब चूंकि नॉन लीनियर है इसीलिए यहाँ पर कंपन की विधाओं के लिए फार्मूला लगेगा 3n-6। तो तीन प्रकार के कंपन इसके अंदर ज्ञात हम कर सकते हैं। अब ये कंपन की विधाएं कौन कौन सी होती हैं? तो कोई भी अणु सामान्य तौर पर या तो तनन कंपन कर सकता है या बंकन कंपन कर सकता है। तनन कंपन का मतलब जब उनके बंधों के बीच की दूरी घटे या बढ़े। यदि आप इसे कार्बन मान लें और ये दोनों H मान लें अर्थात CH2 मान लें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीर के द्वारा ये दिखाया गया है कि दोनों जो बंध दूरियां हैं वो कम हो रही हैं या दोनों बंध दूरियां बढ़ रही हैं, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसी प्रकार से एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब एक बंध दूरी घटेगी तो एक बंध दूरी बढ़ेगी, एक बंध दूरी बढ़ेगी, ये असममित तनन कंपन है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन कितने हो सकते हैं? 4 प्रकार के, जिनमें 2 तो होते हैं तल के अंदर और 2 होते हैं तल के बाहर। तल में होने वाले यदि अगेन वो ये CH2 है तो सीज रिंग यानी कि कैंची, ये सीज रिंग, तो इनके मध्य बंध कोणों में परिवर्तन होता है। यहाँ बंध दूरी नहीं है, यहाँ पर बंध कोण में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से दूसरा है रोकिंग। रोकिंग का मतलब ये घूम रहे हैं पूरे के पूरे, रोक घूमना, रोकिंग। तो तल के बाहर वाले कौन से होते हैं? यदि ये तल में हैं तो दोनों के दोनों एक साथ तल से नीचे जाएं और दोनों के दोनों एक साथ तल के ऊपर आएं, ये कहलाता है वेगिंग, तल के नीचे जाना तल के ऊपर आना। तो इसी प्रकार से ट्विस्टिंग क्या होता है? एक तल के नीचे जाता है एक तल के ऊपर आता है, एक तल के नीचे और एक तल के ऊपर। इसके अतिरिक्त कभी कभी यदि कोई स्फेरिकल या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जैसे कि बेंजीन या हमारा CCl4 या मेथेन, जहां हम देखते हैं कि कार्बन से 4 क्लोरीन या 4 हाइड्रोजन समान बंध दूरी से लगे हुए हैं, तो ये जैसे हमारा लंग्स हमारे फुफ्फुस श्वसन क्रिया के दौरान फूलते हैं सिकुड़ते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार से पूरे सिकुड़ेंगे और फिर फैलेंगे, पूरे सिकुड़ेंगे और पूरे फैलेंगे, तो इसे हम ब्रीथिंग वाइब्रेशन कहते हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के कंपन होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन बैंड्स के तौर पर आते हैं, डिफरेंस बैंड के तौर पर आते हैं, या फर्मी रेजोनेंस की वजह से आते हैं, जो इस चैप्टर के दौरान हमारे क्रमागत आगे की जो स्लाइड्स आएंगी वहाँ पर हम आगे आपको बताएंगे।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कंपनी की सामान्य विधाओं के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त की है। आज के लिए हम यहीं पर ही इससे रोकते हैं और आगे के लेक्चर में हम यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार से हम एक अणु को सिंपल हार्मोनिक मानते हुए या एनहार्मोनिक मानते हुए किस प्रकार से उसकी विवेचना करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।